डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। पास्ट सिंपल टेंस में ऐसे कार्यों को शामिल किया जाता है जो कि बीते हुए समय में पूर्ण हो गए। फॉर एन एक्शन विच हैपन्ड इन पास्ट। आज हम इस टेंस की पहचान, सेंटेंस स्ट्रक्चर और हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करें प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस की पहचान। पास्ट सिंपल टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए की ध्वनि। ध्यान रखें, आ, ई, ए की ध्वनि पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है, और यदि आ, ई, ए की ध्वनि के साथ हे आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। क्लियर? कुछ विद्यार्थियों को यह भी पता है कि सर पास्ट सिंपल टेंस की पहचान ता था, ती थी या ते थे भी होती है, यानी यदि हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आए तो ये भी पास्ट सिंपल होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। क्या डिफ्रेंशिएट है ये हम ये चीज सीखने के बाद इसको हम पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आज निश्चित तौर पर एक आप नई चीज सीखने जा रहे हैं, और जो अब तक गलती कर रहे थे वो अब गलती करना बंद कर देंगे। आइए सबसे पहले हम आ, ई, ए की ध्वनि वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, केवल पास्ट सिंपल टेंस ही एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एक ट्रांसलेशन करके देखते हैं। मैंने पिछले वर्ष एक नई कार खरीदी। वाक्य के अंत में आप देखें खरीदी, ई की ध्वनि आ रही है, तो ये पहचान हो गई आपकी पास्ट सिंपल टेंस की। लास्ट में जो ध्वनि आ रही है उसके साथ शब्द जुड़ा हुआ है खरीद, यानी खरीदना, ये आपकी वर्ब है। जब आप वर्ब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपकी ट्रांसलेशन मेथड बिल्कुल इजी हो जाती है। खरीदी, किसने खरीदी, मैंने खरीदी, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और क्या खरीदा, एक नई कार खरीदी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई वर्ब की सेकंड फॉर्म खरीदना, खरीदने को हम बोलते हैं बाई या परचेज, तो हम यहां पर उसकी सेकंड फॉर्म बॉट या आप चाहें तो परचेज्ड भी शब्द काम में ले सकते हैं। बॉट, क्या खरीदी, ए न्यू कार पिछले वर्ष, लास्ट ईयर, यानी कार खरीदने का कार्य पिछले वर्ष हो गया। क्लियर? अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और नॉट का प्रयोग डियर स्टूडेंट्स कभी भी अकेले नहीं आता है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप यहां ध्यान रखें, डिड के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और हिंदी वाक्य में नहीं का भाव आता है। जैसे उसने यह किताब नहीं पढ़ी,
यानी उसने ये किताब नहीं पढ़ी, ही या सी डिड नॉट रीड दिस बुक। हमने कल एक लेसन याद नहीं किया, वी डिड नॉट लर्न ए लेसन। हम कल बाजार नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू मार्केट। राम ने एक फिल्म नहीं देखी, राम डिड नॉट वॉच ए फिल्म। यानी ऐसी ऐसे करके हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आइए अगला हम सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होते हैं, एक स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड। यानी जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो तो इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो इसका स्ट्रक्चर पहला रहेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होने वाला। हेल्पिंग वर्ब आपको पता हो गई अब कि पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म, अदरवाइज हर एक स्ट्रक्चर में चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो इंटरोगेटिव हो आपको डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। मैंने एक नई कार, क्या मैंने पिछले वर्ष एक नई कार खरीदी। यानी ये मैं पूछ रहा हूं कि क्या मैंने पिछले साल एक नई कार खरीदी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिड आई बाय ए न्यू कार लास्ट ईयर क्वेश्चन मार्क। यदि कोई मुझसे पूछता है क्या तुमने पिछले साल एक कार खरीदी, डिड यू बाई ए कार लास्ट ईयर, क्या आपने 9th कक्षा पास कर ली, डिड यू पास 9th क्लास, क्या तुम मुझसे मिले, डिड यू मीट मी, क्लियर। इस प्रकार के प्रश्नों का जब हम आंसर देते हैं तो आपको पता हो गया है कि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर यस या नो में दिया जाता है। यदि आपने अब तक इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, स्पेशली सेंटेंस स्ट्रक्चर वाला, तो आप जरूर वो देखें ताकि आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर वही उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अब अगला आपका स्ट्रक्चर है स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड। सबसे पहले आप एक डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में, हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे शब्द बीच में आते हैं। ध्यान रखें यदि हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा इंग्लिश का सेंटेंस, और हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आते हैं तो उससे संबंधित डब्ल्यू एच वर्ड आपको सेंटेंस में पहले लगाना है, और बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा जो हमने अभी सीखा है। इसका एक हिंदी ट्रांसलेशन हम करके देखते हैं, उसने कल क्या देखा। तो यहां पर वाक्य क्या बीच में आया है तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या के लिए क्या होगा, व्हाट डिड ही सी यस्टरडे। अब क्या देखा, तो कोई ना कोई ऐसी चीज के रूप में हमें उत्तर मिलेगा कि उसने कल क्या देखा, व्हाट डिड ही सी यस्टरडे। उसने हो सकता है एक फिल्म देखी होगी, हो सकता है उसने कुछ और देखा होगा, तो वो उत्तर निकल कर आएगा। आपने कल क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट,
आई एट राइस, मैंने कल चावल खाए, आई एट राइस, ये इसका उत्तर यानी क्या खाया उसकी एक सूचना हमें प्राप्त हुई है कि हमने चावल खाए। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने इंट्रोगेटिव के दोनों स्ट्रक्चर सीख लिए हैं। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में केवल आपको नॉट लगाना है, और नॉट आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाएं या सब्जेक्ट के बाद लगाएं, दोनों ही सही है। अब आपको इंतजार है कि वो एक नया स्ट्रक्चर क्या है, ता था, ती थी, ते थे वाला, तो आइए अब हम उसको भी सीख लेते हैं और उसमें और इसमें अंतर क्या है। इस प्रकार के और, ता था, ती थी, ते थे में क्या अंतर है, ये आज हम सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप अभी विद्यालय में पढ़ते हैं तो आप अपनी उस चीज को याद करें जब आप पहली बार विद्यालय जाते थे और आप रोते हुए जाते थे, तो हम क्या बोलते थे, मैं या हम विद्यालय रोते हुए जाते थे। यदि आप स्कूल से निकल गए हैं पढ़कर और किसी को बताते कि मैं इस स्कूल में पढ़ता था, या कॉलेज से पढ़कर निकल गए तो हम कहते हैं मैं इस कॉलेज में पढ़ता था, यानी ऐसे कार्य या सिचुएशन जो आप पहले करते थे अब आप नहीं करते हैं, उस स्थिति में हम ता था, ती थी, ते थे काम में लेते हैं। मैं यदि ये कहूं कि मैं खाना खाता था, इसका मतलब मेरी खाना खाने की आदत थी पहले, अब नहीं है, जबकि मैं अभी भी खाना खाता हूं, इसलिए मैं ये वाक्य कभी यूज नहीं करूंगा कि मैं खाना खाता था, मैंने खाना खाया। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं अब ये वाक्य इसलिए प्रयोग करूंगा क्योंकि अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। आप ऐसे क्रिकेट प्लेयर को लें जो अब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था, उसके लिए आप ये नहीं कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेला। आप अब वर्तमान में जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए काम में ले। विराट कोहली क्रिकेट खेलता था या विराट कोहली ने पिछले महीने क्रिकेट खेली, एग्जैक्टली क्रिकेट खेली उसने, क्रिकेट खेलता था हम यूज नहीं लेंगे। तो ता था, ती थी, ते थे उस सिचुएशन के लिए काम में लेंगे जो पहले हम करते थे लेकिन अब हम नहीं करते हैं। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा आप ध्यान रखें। सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट और फिर हम यूज करेंगे यूज टू का। ध्यान रखें, ता था, ती थी, ते थे के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे सचिन क्रिकेट खेलता था, यानी ये उसकी खेलने की आदत थी पहले, या खेलता था, कार्य करता था, अब नहीं करता है, वर्तमान में वो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ट्रांसलेशन हो जाएगा सचिन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। क्लियर? यूज टू का मतलब एक आदि होना भी यानी एक आदत होना भी होता था। जैसे मेरे दादाजी पहले बगीचे में घूमने जाते थे, अब वो नहीं जाते हैं, तो उसके लिए मैं कहूंगा माई ग्रैंड फादर यूज टू वॉक इन द गार्डन। मैं पहले रोता था, आई यूज टू वीप, अब नहीं कहूंगा कि मैं रोता हूं। मैं पहले विद्यालय जाता था, आई यूज टू गो टू स्कूल,
मैं इस फैक्ट्री में कार्य करता था, आई यूज टू वर्क इन दिस फैक्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप तमाम वाक्य डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये आ ई ए वाला है या ता था ती थी ते थे वाला, यानी अब वो कार्य जो आपने किया है वापस रिपीट होगा या नहीं होगा, और ता था ती थी वाले वाक्य वापस रिपीट होंगे या नहीं होंगे। तो आप अब समझ गए होंगे कि जो हम वाक्य आ ई ए की ध्वनि वाले काम में लेते हैं वो रिपीट होंगे, और ता था ती थी ते थे वाले वाक्य वापस वो कार्य रिपीट नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनके नेगेटिव भी बना सकते हैं, केवल आपको डिड नॉट लगाना है और यूज को आप यूज प्रयोग करना है। जैसे सचिन फुटबॉल नहीं खेलता था, तो सचिन डिड नॉट यूज टू, यूज्ड नहीं आएगा, यूज टू प्ले फुटबॉल। क्लियर? इस प्रकार से आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम अफर्मेटिव ही इसको काम में लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने आज नई चीज सीखी। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू।